नमस्कार सर, मैं आरिफ खान आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ एचपी टाइल मशीनरी से। जैसा कि सर आपने मेरी काफ़ी सारी वीडियोस पहले देखी होंगी जिसमें पेपर ब्लॉक मेकिंग मशीन की मैंने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दिखाई थी आपको, जो केमिकल हार्डनर आता है जो ग्लॉसी शाइनिंग के लिए, हार्डनेस के लिए जो पेपर ब्लॉक में इस्तेमाल किया जाता है उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दिखाई थी। मोल्ड्स कहाँ बनता है, कैसे बनता है, किस क्वालिटी का मोल्ड्स बनता है पेपर ब्लॉक का, वो इस मेरी लास्ट वीडियो में आपको देखने को मिला होगा। बाकी सर अभी ये जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं इसमें, जैसा कि पेपर ब्लॉक में इस्तेमाल किए जाने वाला मोल्ड जिसे हम सिलिकॉन प्लास्टिक, नॉर्मल प्लास्टिक, पीवीसी, रबड़ जो क्वालिटी में अवेलेबल है उसमें क्या डिफरेंस है, क्या आपको अच्छी क्वालिटी का मोल्ड मिलेगा प्लास्टिक में या सिलिकॉन प्लास्टिक में, तो इस वीडियो में के थ्रू आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि ये मोल्ड्स है मेरे पास जिगजैग, इसको ATMM जिगजैग बोलते हैं, आपको मैं दिखा देता हूँ इस वीडियो के थ्रू। सेम मोल्ड मेरे पास जिगजैग का ATMM में ये भी है। तो बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ सर, ये दोनों प्लास्टिक है बट एक नॉर्मल प्लास्टिक है एक सिलिकॉन प्लास्टिक है, तो डिफरेंसेस क्या है। बेसिकली इस वीडियो का पर्पज बनाने का यही है, आपको एटलीस्ट पता लगे दोनों में क्वालिटी क्या है, इससे कैसा ब्लॉक बनेगा। बात करते हैं इसको, जो नॉर्मल प्लास्टिक मोल्ड है इसकी बात करें तो इसकी लाइफ मैक्सिमम आपको वन ईयर से ज़्यादा नहीं चलेगा। बेसिकली ये जो प्योरिटी है, जो प्योर दाने से बना हो वो नहीं है। तो इसमें आपको क्या है, जो आप इसका इनसाइड जो फेस देख रहे हैं इससे क्या है, आपका ब्लॉक तो बनेगा बट शाइन करता हुआ ब्लॉक नहीं बनेगा, जो बहुत अच्छी क्वालिटी का जो फिनिश पीस है वो नहीं बनेगा। बट जो मेरे पास सेकंड मोल्ड है इसको बोलते हैं सिलिकॉन प्लास्टिक मोल्ड, प्योर सिलिकॉन से बना हुआ है। आप ग्लॉसीज देख सकते हैं, पीस की शाइनिंग देख सकते हैं, बैक साइड एंड फ्रंट साइड एंड ऑल्सो इनसाइड भी देख सकते हैं। इससे क्या है, आपका एक तो क्वालिटी बहुत अच्छा बनेगा, दूसरा क्या है इसके अंदर आपका मटेरियल कभी चेक करने की आपको शिकायत नहीं मिलेगी। इसकी ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो मिनिमम 3 से 4 साल इसकी ड्यूरेबिलिटी है, क्योंकि ये प्योर दाने से बनाया हुआ। मैं कंपनी का नाम नहीं बताना चाहता बट आप यहाँ विजिट करेंगे तो वो चीज़ें भी आपको क्लियर की जाएंगी। तो बेसिकली दोनों में डिफरेंस यही है, एक तो ड्यूरेबिलिटी का डिफरेंस है, क्वालिटी का डिफरेंस है। तो मैं आगे सेम आई शेप जो जिसे हम डंबल बोलते हैं, सेम दोनों क्वालिटी में मेरे पास है, नॉर्मल प्लास्टिक एंड सिलिकॉन प्लास्टिक। आप सिलिकॉन प्लास्टिक देख सकते हैं एंड नॉर्मल प्लास्टिक देख सकते हैं, वही सेम लाइफ वही क्वालिटी इनसे बनने वाली है। सेम मेरे पास टाइल्स के मोल्ड्स हैं 12x12 के, 1x1 फिट के, तो दोनों की क्वालिटी आप देख सकते हैं वीडियो के थ्रू, इसकी क्वालिटी क्या है एंड इसकी क्वालिटी क्या है। तो सर बेसिकली मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पज है, आप कहीं भी किसी भी जगह प्रोजेक्ट लेते हैं तो आप कई चीज़ें नहीं देख पाते, जैसा कि आपको देखना चाहिए मोल्ड्स अच्छी क्वालिटी के हों, मशीन अच्छी क्वालिटी के हों। बेसिकली देखिए मशीन तो आपको अच्छी मिल ही जाती है बट जो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो मोल्ड्स में करनी पड़ती है। जैसे कि आपने मोल्ड्स परचेज कर लिया मशीन के साथ, 3 महीने 6 महीने में मोल्ड्स फट जाते हैं, आपका अच्छा क्वालिटी नहीं बनता, तो रीज़न यही है आप अच्छी क्वालिटी के मोल्ड नहीं लेते हैं मीन्स आपको दिखाया ही नहीं जाता है, क्योंकि अगर वो मोल्ड्स आपको दिखाया जाएगा तो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है अच्छी क्वालिटी का मोल्ड। तो आप विजिट करते हैं आपको 2-3 क्वालिटी दिखाई जाती है और आप वहाँ से एक क्वालिटी सिलेक्ट करते हैं और ले जाते हैं, तो सेम प्रॉब्लम आपको आती है। बेसिकली कई क्लाइंट्सों के कॉल्स आते हैं, भैया हमने उस कंपनी से प्रोजेक्ट लिया था, मशीन लिया था बट हमारे मोल्ड्स में मटेरियल चिपक रहा है, मोल्ड्स टूट रहे हैं, मोल्ड्स में अच्छी क्वालिटी नहीं बन रही है। तो आप क्या करते हैं, जहाँ भी प्रोजेक्ट लेते हैं जहाँ से भी, तो 1-2 क्वालिटी आपको दिखाते हैं जो आपको अच्छा लगता है, आप वहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। तो कई डीलर्स हैं इस इंडस्ट्री में जो क्या करते हैं, क्लाइंट को सजेस्ट करते हैं सर ये अच्छा भी है और सस्ता भी है तो आप ये लीजिए, क्योंकि बेसिकली आपको नया प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, आपको इतनी जानकारी नहीं होती है कौन सा प्लास्टिक है, कौन सा सिलिकॉन प्लास्टिक है, कौन सा वर्जन प्लास्टिक है एंड कौन सा मिक्स प्लास्टिक है। तो एक मैन्युफैक्चरर का कर्तव्य बनता है आपको ये सही जानकारी दे, क्योंकि देखिए आपको अच्छा मोल्ड मिलेगा, अच्छी क्वालिटी आप बनाएंगे तो वापसी आप हमें रीऑर्डर दे सकते हैं। तो हमारी कंपनी का मोटिव रहता है कि आपको अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करवाएं जिससे आप अच्छी क्वालिटी का ब्लॉक बना सके और आपके मोल्ड्स की लाइफ काफ़ी अच्छी हो।
तो आपसे सर रिक्वेस्ट यही है, कहीं भी आप विजिट करते हैं तो पहले आप क्वालिटी देखें, बिकॉज क्योंकि क्वालिटी मशीन्स की, मोल्ड्स की, केमिकल हार्डनर्स की, ये क्वालिटी आप अच्छी लेंगे तभी आप अच्छा ब्लॉग बना सकते हैं। जैसा कि कई क्लाइंटों की रिक्वेस्ट आती है मेरी वीडियो पे, आप इतनी अच्छी क्वालिटी के ब्लॉक्स कैसे बनते हैं, आपका मोल्ड्स में मटेरियल नहीं चिपकता है, तो उन क्लाइंट्स के लिए मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ, आप एक अच्छी क्वालिटी का मोल्ड्स परचेज करें, अच्छी क्वालिटी का केमिकल हार्डनर लें, जिससे आप अच्छी क्वालिटी के टाइल एंड ब्लॉक बना सकते हैं। मेरी कंपनी प्रोजेक्ट सेल के साथ आपका प्रोजेक्ट इंस्टॉलेशन भी करा के देती है। जैसे कि हमारी कंपनी, जो भी हमारी कंपनी से प्रोजेक्ट लेते हैं उनके लिए हम इंजीनियर प्रोवाइड कराते हैं। इंजीनियर से होता क्या है, एक तो आपको इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी गाइडलाइंस मिल जाती है, मशीन्स को कैसे मेंटेन करना है, आपको ब्लॉक्स कैसे बनाना है, मिक्सिंग रेशो क्या रहता है, एवरीथिंग, सारी चीज़ें इंजीनियर के थ्रू आपको सही जानकारियाँ हम प्रोवाइड करा पाते हैं। तो सर रिक्वेस्ट है आपसे, कोई भी कहीं भी किसी कंपनी में विजिट करें तो पहले वेरीफाई करें कंपनी मैन्युफैक्चरर है या ट्रेडर्स है, बिकॉज ट्रेडर्स से आप मोल्ड्स या कोई भी चीज़ लेते हो तो बाद में आपको वो चीज़ इजीली प्रोवाइड नहीं करा सकते। इसके अलावा आपको क्वालिटी प्रोवाइड नहीं कराएंगे, तो प्लीज़ अपना थोड़ा सा क्वालिटी, अगर आपको अच्छी लेनी है, आप क्वालिटी अच्छी चाहते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप मैन्युफैक्चरर से लें, और मैन्युफैक्चरर से भी आप देखें क्वालिटी उनके पास क्या है, वो खुद मैन्युफैक्चर करते हैं या किसी से परचेज करते हैं, बिकॉज बहुत सारे ट्रेडर्स हैं परचेज करके सेल आउट करते हैं। तो आप जहाँ से भी मटेरियल लें मैन्युफैक्चरर से लें, और मैन्युफैक्चरर के पास जो क्वालिटी है आप देखें खुद, आपको बहुत अच्छी क्वालिटी आप यहाँ से लेके जाएं। देखिए सर होता क्या है, थोड़ा सा 1 रुपये 2 रुपये का ऊपर नीचे होता है, क्योंकि देखो वर्जन प्लास्टिक का मोड़ लेते हैं तो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, बट ड्यूरेबल भी रहता है, अच्छी आपको क्वालिटी मिलती है, क्योंकि आपको भी पता है आज की मार्केट में ब्लॉक सेल करना कितना टफ है, बिकॉज मार्केट में बहुत कंपटीशन है, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट लगे हुए हैं, तो आप अच्छी क्वालिटी मार्केट में प्रोवाइड कराएंगे उसी हिसाब से आप उसको सेल कर सकते हैं। अगर अच्छी क्वालिटी के ब्लॉक्स आप नहीं देंगे तो मार्केट में आई थिंक सर्वाइव करना काफ़ी मुश्किल है, तो आपको यही सजेशन है जहाँ से भी आप मशीन लें, क्योंकि सर मैं भी अगर कहीं से कुछ चीज़ लेता हूँ या भविष्य में लूँगा तो पूरा वेरीफाई करके लेता हूँ, अच्छी क्वालिटी लेता हूँ, जिससे मेरे को बाद में प्रॉब्लम फेस करना ना पड़े, क्योंकि आदमी के आज इस भागदौड़ की ज़िंदगी में टाइम कम है, बार बार किसी को फ़ोन करना, उसके पास जाना, हमारे पास इतना समय नहीं है, तो जो भी क्वालिटी, जो भी मशीन, जो भी मोड, जो भी इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी आइटम या प्रोडक्ट लेते हैं तो प्लीज़ वेरीफाई करके लें, अच्छी क्वालिटी लें, जिससे आपको भविष्य में इससे कोई परेशानी या कोई घाटे का सौदा ना करना पड़े। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ, तो थैंक यू सो मच, नमस्कार।